वृंदावन में यमुना स्नान के दौरान दो युवक गहरे पानी में डूब गए। एक युवक का शव गांव के पुल के पास से बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दूसरे युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना हाईवे क्षेत्र के पालीखेड़ा नगला भोजपुर पालीखेड़ा निवासी करीब 18 वर्षीय शंकर अपने पड़ोसी 17 वर्षीय गौरी के साथ वृंदावन में मजदूरी करने के लिए आए थे। दोपहर करीब 3 बजे यमुना किनारे केशी घाट के पास यमुना में स्नान कर रहे थे कि तभी अचानक दोनों गहरे पानी में डूब गए। यमुना किनारे दोनों युवकों के कपड़े बरामद हुए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और रात तक उन्हें खोजने का प्रयास किया गया। शनिवार को एक बार फिर से पुलिस ने गोताखोरों के साथ सर्च अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद पानी गांव पुल के पास से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों ने शंकर पुत्र लक्ष्मी सिंह के रूप में की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं तो घर पर था, तो कॉल आई थी भाई की, तो भाई कह रहा था जमुना में दोनों भाई डूब गए हैं, तो मैं भगा भगा आया हूँ भैया में, तो देखे रात भर 8 बजे तक खूब ढूंढे हैं, तो फिर भी वो पुलिस वाले कह रहे थे हम नहीं, अब तो सवेरे देखेंगे, इसलिए हम चले गए थे 8-9 बजे। कब की घटना थी ये? कल सुबह? कल 3 बजे की। क्या करते थे दोनों भाई? दोनों भाई बेलदारी करते थे। कितनी उम्र रही होगी? 17-18 साल की उम्र है दोनों बच्चों। और क्या काम करते थे? बेलदारी करते थे। अब पुलिस आई थी कल मौके पे? मौके पे पुलिस आई थी, पुलिस ने भी बता रहे थे। और आज पुलिस आई? आज भी आई है सुबह? हाँ आज भी आई है सवेरे। अभी कोई पता लगा भाई का? भाई का पता लगा है, वैसे अभी फोटो आया है। घटना हुई है, ये हमारे गांव के दो बच्चे हैं गौरी और शंकर, ये दोनों बच्चे मजदूर करने के लिए आए थे वृंदावन, और यहाँ केसरी घाट पर नहाने के लिए आ गए थे, तो इसी वजह से पानी में ये डूब गए। अच्छा, कब की घटना है ये? कल शाम 3 बजे की है सर। मौके पर पुलिस आई थी? हाँ कल पुलिस आई थी पर, लेकिन तब पुलिस वाले ने कोई प्रशासन ने कोई वो नहीं दिखाया अपना। और चलिए फिर अभी बॉडी मिली या नहीं मिली? अभी तक तो कोई पता नहीं है, पर एक न्यूज आई है अभी कि एक बच्चे की बॉडी मिली है। पुलिस अब गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में डूबे दूसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है। सी न्यूज के लिए राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।